हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में फोर्थ लेसन देव की काव्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में विक्रम संवत 1730 में हुआ। कवि देव के गुरु हित हरिवंश थे। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली थे। वे किसी एक राजा या नवाब के आश्रय में टिककर नहीं रहे। वे आजम शाह, राजा सीताराम, कुशल सिंह एवं राजा भोगीलाल आदि के आश्रय में रहे। इन्होंने राज दरबारों का आटंबरपूर्ण और चाटुकारिता से भरा जो जीवन है उसको निकट से देखा था। इस कारण इन्हें इस जीवन से वितृष्णा हो गई। इनका अपने जीवन से मोह छूट गया। इन्हें विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 52 मानी जाती है, जिनमें से भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग आदि रचनाएं जो है वो प्रमुख मानी जाती है। हमारी पाठ्य पुस्तक में देव द्वारा रचित दो सवैये और एक कवित का संकलन किया गया है। प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। दूसरे सवैये में हम देखेंगे कि नायिका के नेत्रों की विवशता और प्रेमाशक्ति का वर्णन कवि ने किया है। इसमें हम देखते हैं कि कोई एक नायिका है, वो अपनी सखी से कहती है कि उसके जो नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में विमुक्त हो गए हैं, वह उसमें फंस गए हैं और वह कितना ही प्रयास कर रही है लेकिन उसके जो नेत्र हैं, उसकी जो आँखें हैं, वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से हट नहीं पा रही है। और इसी तरह से कवित में वर्षा ऋतु का वर्णन श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों के रूप में यहाँ पर कवि ने किया है। इनकी साहित्यिक ब्रजभाषा सुंदर और अलंकृत है। तो आइए हम देखते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे कटि किंकनी में धुनि की मधुराई। पायनी अर्थात पैरों में, नूपुर अर्थात घुंघरू, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कटि अर्थात कमर, किंकिनी अर्थात करधनी, धुनि का अर्थ होता है ध्वनि और मधुराई अर्थात मधुर। तो कवि जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू है और वह बजते हुए बहुत ही मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटे किंकनी में धुनि की मधुराई और उनकी कमर में कर ध्वनि जो है वो बहुत ही शोभायमान लग रही है, जिसकी ध्वनि अति मधुर है। कटे किंकनी में धुनि की मधुराई, श्री कृष्ण के कमर में जो कर ध्वनि है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, शोभायमान लग रही है, और धुनि की मधुराई और उसकी जो ध्वनि है वो बहुत ही मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। सांवरे अर्थात सांवले, पटपीत अर्थात पीले वस्त्र, हिये हुल से, हिये का अर्थ होता है हृदय, हुल से का अर्थ हो जाता है यहाँ पे आनंदित करना, बनमाल अर्थात वनमाला, या हम कह सकते हैं जंगली फूलों की बनाई गई एक विशेष माला, सुहाई अर्थात शोभायमान। तो कवि कहते हैं कि सांवरे अंग लसे पटपीत कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र है वो अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। लसे का अर्थ हो जाता है शोभायमान या सुंदर। हिये हुल से बनमाल सुहाई और उनके वक्ष स्थल पर, उनके हृदय पर जो वनमाला है अर्थात एक विशेष प्रकार के जंगली फूलों की जो माला है वो अत्यंत ही सुहाई लग रही है, अत्यंत ही शोभायमान लग रही है। फिर से देख लेते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई और उनके हृदय स्थल पर, उनके वक्ष स्थल पर जो जंगली फूलों की एक विशेष माला है वो बहुत ही सुंदर और शोभायमान लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। माथे अर्थात मस्तक, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, दृग अर्थात नेत्र और मुख चंद अर्थात मुख रूपी चंद्रमा
जुन्हाई का अर्थ हो जाता है चांदनी। तो अब कवि कहते हैं कि माथे किरीट किस श्री कृष्ण जिनके सिर पर मुकुट विराजमान है, बड़े दृग चंचल और उनके नेत्र जो है वो बड़े और चंचल है, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई और उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। जग मंदिर अर्थात संसार रूपी मंदिर, श्री ब्रज दूल्हा अर्थात ब्रज के दूल्हे, सहाय का अर्थ हो जाता है सहायक। तो कवि कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, कि आज ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण जग मंदिर अर्थात संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान प्रज्वलित हो रहे हैं, दीपक के समान शोभाशाली दिखाई दे रहे हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से जब कोई दीपक मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है तो उसके दीपक का जो प्रकाश है वो पूरे मंदिर में फैल जाता है और पूरा मंदिर जो है उस दीपक के प्रकाश से शोभायमान लगता है, उसी तरह से श्री कृष्ण के ब्रज में आने पर अर्थात ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण के संसार रूपी मंदिर में आने पर पूरा संसार जो है उत्साह और आनंद से भर जाता है। तो कवि कहते हैं कि देव सहाय, देव जो है वो श्री कृष्ण से यही कामना कर रहे हैं कि वह उनकी हमेशा सहायता करे, वह हमेशा जो है सुंदर ब्रज के दूल्हे के रूप में पूरे संसार के सहायक बने, सबकी सहायता करे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार और उनके रूप सौंदर्य का जो है बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और श्री कृष्ण को कवि ने ब्रज दूल्हा बताकर उनको एक विशिष्ट रूप में दर्शाया है। यहाँ पर जो हम देखेंगे कि कवि ने सवैया छंद और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। फिर हम देखेंगे धार में धाय धसी निर्धार हवे जाय फसी उकसी ना बेरी। इसमें कोई गोपी श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति अपनी अत्यधिक आसक्ति और मोहित होकर वो अपनी सखी से जो है वो व्यवस्था प्रकट करती है, व्यवस्था बतलाती है कि किस तरह से जो उसकी आँखें हैं वो श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है और वह उससे कितना ही निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन फिर से वापस आ नहीं पा रही। तो इस तरह से एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपनी व्यवस्था प्रकट कर रही है, व्यवस्था बतला रही है। धार का अर्थ होता है धारा, धाय अर्थात दौड़ कर, निर्धार अर्थात बिना सहारे, उकसी अर्थात निकली। तो कवि देव कहते हैं कि कोई गोपी है वो कहती है कि हे सखी धार में धाय धसी निर्धार हवे कि मेरी आँखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य की धारा में बिना सहारे दौड़कर धस गई है। धार में धाय धसी निर्धार हवे हे सखी मेरी आँखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य की धारा में बिना सहारे दौड़कर धस गई है। जाए फंसी उकसी न अबेरी और वह उनके रूप सौंदर्य में जाकर फंस गई है, उकसी न अबेरी और वह अब तक वापस निकली नहीं है, अर्थात मैंने उसको कितना ही निकालने का प्रयास किया लेकिन वह वहाँ से फिर नहीं लौटी, अभी तक निकली नहीं है। री अग्राए गिरी गहरी गही फेरे फिरियो घिरी न घेरी। अग्राए अर्थात अंगड़ाई लेकर, गही का अर्थ होता है पकड़ कर, फिरी अर्थात लौटना। तो अब जो है वो सखी कहती है कि री अंगड़ाई गिरी गहरी के हे सखी मेरी आँखें अंगड़ाई लेकर श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य की धारा में बहुत गहरे तक गिर गई है। गही फेरे मैंने उसको पकड़ कर कितना ही लौटाने का प्रयास किया लेकिन ओ घिरी न घेरी, लेकिन वह वापस लौट कर नहीं आई, अर्थात मेरी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में
बहुत गहरे तक जाकर गिर गई है और मैंने उसको कितना ही पकड़ कर उसको वापस लौटाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आई। देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चित्ते भई चेरी। अब देव कहते हैं कि वो सखी कह रही है कि कछु अपनो बस ना, कि इसमें जो है मेरा कोई बस नहीं है, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। रस लालच लाल, रस लालच अर्थात श्री कृष्ण की रूप रस की लालची, लाल का अर्थ हो जाता है यहाँ पे कृष्ण। चित्ते भई चेरी, चित्ते अर्थात देखते ही, चेरी का मतलब होता है दासी। तो अब जो है गोपी कहती है कि रस लालच लाल, कि मेरी आंखें श्री कृष्ण के रूप रस की लालची है, चित्ते भई चेरी, और वह श्री कृष्ण को देखते ही उनकी दासी हो जाती है। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। बेगी अर्थात शिख्र, बूढ़ी का अर्थ होता है डूबना, पंखियाँ अर्थात पंख, भई अर्थात हो गई। तो अब जो है सखी कहती है कि अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, कि मेरी आंखें मधु की मक्खी के समान हो गई है, अर्थात मेरी आंखें मधु मक्खी के समान हो गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां, कि जिस तरह से मधु मक्खी के जो पंख है वो जब शहद में डूब जाते हैं और वो उसमें से कितना ही निकलने का प्रयास करें लेकिन उसका उन मधु से उस शहद से उनका निकल पाना कठिन होता है, उसी तरह से मेरी अंखियाँ भी जो है मधुमक्खी के समान हो गई है, और वह बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, और वह मेरी आंखें जो है उसी पंख की तरह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब गई है, और वह कितने ही उसमें से निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी वापस आ नहीं पा रही, उसमें से उनका निकलना जो है वो कठिन हो गया है। इसमें हम देखेंगे कोई नायिका या गोपी अपने आँखों की व्यवस्था बतला रही है कि किस तरह से उसकी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर फंस गई है और वह उससे कितना ही निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी वापस नहीं आ पा रही। फिर हम देखेंगे कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। इस कविता में हम देखेंगे कि कोई गोपी अपनी स्वप्न अवस्था का वर्णन कर श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम आसक्ति व्यक्त कर रही है। इसमें कवि ने वर्षा काल की प्रकृति का चित्रण किया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गोपी कहती है कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, जहरी जहरी का मतलब हो जाता है वर्षा की झड़ी, झीनी अर्थात बारीक या पतली, और गहरी गहरी का अर्थ हो जाता है घिर कर गगन अर्थात आसमान में। तो सखी कहती है या कोई गोपी है या नायिका है वो कहती है कि झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कोई गोपी या नायिका अपने मन के प्रेम भाव को व्यक्त करती है। वो कहती है कि वर्षा काल में चारों तरफ, इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन का अर्थ पहले लेंगे, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, कि चारों तरफ जो है वो आसमान में काली काली घटाएं घिर आई है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। और सखी है वो कह रही है कि उसका मन जो है इन काली घटाओं को देखकर प्रेम भाव से उल्लासित होने लगा है, और चारों तरफ जो है जहरी जहरी झीन बूंद परती है मानो, और चारों तरफ वर्षा की झड़ी लग गई है, और इस तरह से वर्षा की झड़ी में छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो पड़ने लगी है। फिर से देख लेते हैं, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, कि आसमान में चारों तरफ काली काली घटाएं घिर आई है, और जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, और इस तरह से चारों तरफ वर्षा की झड़ी लग गई है, और वर्षा की झड़ी लगने से छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो चारों तरफ पड़ने लगी है, गिरने लगी है, और इस तरह से वर्षा ऋतु के आगमन पर नायिका जो है उसका मन प्रेम भाव से उल्लासित होने लगा है। आनी कहियो श्याम मोसो चली झूले बे को आज। तो कवि कहते हैं कि वो नायिका कहती है
कि वो एक स्वप्न देख रही है, स्वप्न अवस्था में है, और उस स्वप्न में वो देखती है कि श्री कृष्ण जो है उससे मिलने के लिए कहते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं कि आज हम चलो साथ में झूला झूलते हैं। इस तरह से वो स्वप्न देख रही है। आनी कहियो श्याम मोसो, तो नायिका कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, श्री कृष्ण ने मुझसे आकर कहा कि चलो झूली बे को आजू, कि चलो आज हम साथ में झूला झूलते हैं। फूली न समाने भई ऐसी हो मगन में, मगन अर्थात खुश होकर, खुश होना। तो वो सखी कहती है कि जब श्री कृष्ण ने उससे आकर कहा कि चलो आज हम झूला झूलते हैं, तो फूली न समाने, तो वह बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, भई ऐसी हो मगन में, वह इतनी मगन हो गई, खुश हो गई। चाहती उठी हुई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, निगोड़ी अर्थात निर्दयी। तो नायिका कहती है कि जब कृष्ण ने उनसे कहा कि आज हम चलो साथ में झूला झूलते हैं, तो चाहती उठी हुई, तो उसने जो है उठने का प्रयास किया, उठकर उनके साथ में जाने का प्रयास किया, और जैसे ही वह उठने लगती है तो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तो उसकी जो निर्दयी नींद है वो उड़ जाती है, अर्थात नायिका जो है वो नींद में से उठ जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, तो अब जो है नायिका कहती है कि सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, कि जब उसकी नींद खुल गई अर्थात जब वह जाग गई, तो उसके भाग क्या हो गए, सो गए। क्यों ऐसा कवि जो है कह रहा है कि नायिका जो है अपने मनोभावों को इस तरह से व्यक्त कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि नायिका जो एक स्वप्न में देखती है कि श्री कृष्ण उसको आकर कहते हैं कि चलो आज हम झूला झूलते हैं, और इस तरह से नायिका बहुत खुश होकर और उनके साथ में जाने के लिए उठती है, और जैसे ही उठती है तो उसका स्वप्न टूट जाता है, उसकी नींद खुल जाती है, और उनका श्री कृष्ण से मिलना नहीं हो पाता, उनका प्रेम मिलन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए नायिका जो है अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कह रही है कि जब उसकी नींद खुली तो उसके भाग सो गए, और वह इस तरह से श्री कृष्ण से मिल नहीं पाती। आँखें खोली देखो तो घन है न घन श्याम, घन अर्थात बादल, घन श्याम अर्थात श्री कृष्ण। अब नायिका कहती है कि आँखें खोली देखो, कि जब मैंने आँखें खोल के देखा, मेरी जब नींद खुली तो मैंने देखा घन है न घन श्याम, कि सामने न तो बादल है और ना ही कृष्ण है। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रिगन में, द्रिगन अर्थात नेत्र। और नायिका कहती है कि आंसू हुए द्रिगन में, कि जो मेरी आंखें जब मैंने खोली और जब मेरे आंखों में जो आंसू थे, जो मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे चारों तरफ जो है वर्षा की बूंदे हैं, वर्षा की झड़ी गिर रही है, और वही वर्षा की बूंदे मेरे आंखों पे गिर रही है। लेकिन नायिका क्या कहती है, जब उसकी आंखें खुली तो उसको वह देखती है या उसको महसूस होता है कि जो वह सोच रही थी कि जो वर्षा की बूंदे हैं उसकी आंखों में गिर रही है, तो वह वर्षा की बूंदे ना होकर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और आंसू क्यों गिर रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण से उसका मिलन नहीं हो पाता, और इस तरह से दुखी होकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने नायिका के संयोग और वियोग दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन कर उसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का, जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का हमारे सामने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वर्षा की बूंदों के झड़ने का कवि ने यहाँ पे ध्वनि बिंब हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और इस तरह से कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग की करके हमारे सामने एक बहुत ही मनोरम और सुंदर जो है दृश्य प्रस्तुत करके नायिका की मनोभावनाओं को हमारे सामने चित्रित किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सुझाव है तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।